गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आसू मेडिसिन इन्फॉर्मेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं जेडएनबी टेबलेट के बारे में। इसमें मल्टी विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है, जो कि एक स्ट्रिप में 15 गोली पाई जाती है और इसका प्राइस होता है 135 रुपया। और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है माइक्रो लैब्स लिमिटेड के द्वारा ये बनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके काम की जानकारी मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। हम इस पे हर 2 दिन पे एक नई वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, अगर आप मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप किसी भी दवा के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जेडएनबी में लाइकोपिन, मिनोसिटोल, पायरिडोक्सिन, निकोटिनामाइड, साइनोकोबालामिन, फॉलिक एसिड, क्रोमियम, सिलेनियम और जिंक शामिल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे शरीर को अच्छी तरह से तेल लगी मशीन की तरह चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आवश्यक पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा में बदलने में मदद करते हैं, जिससे हमारे शरीर में पूरी ऊर्जा बनी रहती है, जबकि कई विटामिन एक साथ काम करते हैं। स्मृति हानि या माइग्रेन, एंटीऑक्सीडेंट अणु होते हैं जो मुक्त कणों से बातचीत करते हैं और महत्वपूर्ण अणुओं को क्षतिग्रस्त होने से पहले होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को समाप्त कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के बिना हमारा शरीर अंदर से बाहर की ओर से जंग खाएगा, ठीक उसी तरह जिस तरह नमक की बगैर ठीक उसी तरह जिस तरह नमक की बौछार के संपर्क में आने के बाद धातु के जंग लग जाती है। अब हम बात करेंगे मल्टी विटामिन मिनरल्स जेडएनबी टैबलेट किस लिए बनता है और किन लोगों को दिया जाता है। आइनोसिटोल मधुमेह, तंत्रिका दर्द, आंतक विकार, उच्च कोलेस्ट्रॉल, अनिद्रा, कैंसर, अवसाद, इसकी जो फ्रेनिया, अल्जाइमर रोग, बालों के विकास को बढ़ावा देने, सोरायसिस नामक त्वचा विकार के लिए जानेंगे कि जिंक का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, मुक्त कणों से कोशिका झिल्लियों की रक्षा करना, कोशिका संरचनात्मक क्षति को रोकना और क्षतिग्रस्त डीएनए की मरम्मत करना, इसमें जिंक का मुख्य भूमिका निभाता है। जिंक घाव भरने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त ग्लूकोज और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में स्थिरीकरण का समर्थन करता है। क्रोमियम मधुमेह और हृदय रोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रोमियम इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करता है और लिपिड चयापचय में सुधार करता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो और किसी मेडिसिन के बारे में आपको जानना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और एक लाइक कर दीजिए, ताकि हम अगली वीडियो जैसे ही डालें और आपके पास इसका इन्फॉर्मेशन आ जाए। धन्यवाद।